हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे हम लोग एक क्लीन, प्रोफेशनल और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो हमारी वेबसाइट कुछ इस टाइप की दिखेगी। लेफ्ट हैंड साइड में हमारी लोगो है, राइट हैंड साइड में हमारी मेनू है जहाँ पर मैं माउस ले रही हूँ तो कुछ होवर इफेक्ट्स हो रहे हैं, और देन हीरो सेक्शन में हमारी टाइटल, डिस्क्रिप्शन और एक बटन है और उसके साथ आइकन है और इमेजेस है। देखिए, हर सेक्शन को मैंने अलग अलग कलर से डिवाइड की हूँ और ये कुछ एनिमेशंस चल रहे हैं, और एट द एंड फुटर सेक्शन। और ये पूरी कंप्लीटली रेस्पॉन्सिव है, मैं आपको दिखाती हूँ, रेस्पॉन्सिव भी है ये। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अब नया आए हैं इस चैनल पे या पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप लर्निंग पर्पज़ के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप फ्री का डोमेन और फ्री का होस्टिंग लेकर बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हैं या क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो बिल्कुल फ्री का मत यूज़ कीजिए। अगर आप फ्री का यूज़ करेंगे तो उसमें आपको लॉट ऑफ होस्टिंग परचेस कर रहे हैं, तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि ज़्यादा कॉस्टली वाला मत जाइए या ज़्यादा चीप वाला मत जाइए, कोई अफोर्डेबल और जहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिले वो वाला होस्टिंग ही लीजिए। तो मेरी खुद की ब्लू होस्ट है जो मैं अपनी पर्सनल के लिए यूज़ कर रही हूँ, और मेरे बहुत सारे साइट्स ब्लू होस्ट में ही होस्टेड हैं। मैं ब्लू होस्ट इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ये वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। इन खुद ये रिकमेंड करती है कि ब्लू होस्ट उसकी प्लेटफॉर्म पे अच्छी रन करती है। फ्री डोमेन 1 साल के लिए मिल जाता है, SSL सर्टिफिकेट भी मिल जा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपको 24/7 सपोर्ट भी मिल। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहां से जाकर आप ब्लू होस्ट परचेस कीजिए। ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। अगर आप 3x के लिए परचेस करना चाहते हैं तो बेसिक प्राइस इसका, बेसिक में आपको एक ही वेबसाइट होस्टिंग करने के लिए मिलेगी, और प्लस चॉइस प्लस प्रो में आपको अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, और बेसिक में आपको सिर्फ 50 GB SSD का स्पेस मिलता है, जबकि बाकी सारी प्लान में आपको अनलिमिटेड स्पेस मिलता है। तो मैं तो इस प्लान और इस प्लान में प्राइस एक है, लेकिन इस प्लान में फीचर्स ज़्यादा हैं, जैसे कि ये डोमेन प्राइवेसी और साइट बैकअप, ये दो चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। जैसे आप सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये इस टाइप की पेज खुल जाएगी। अगर आपके पास कहीं और डोमेन है तो ये यहाँ पर डालकर आप कर सकते हैं, या अगर नया डोमेन चाहते हैं जो ये ब्लू होस्ट आपको फ्री में 1 साल के लिए देती है, तो ये यहाँ पर आप टाइप कीजिए कोई भी डोमेन जो आपकी रिक्वायरमेंट है और सर्च कीजिए, अगर अवेलेबल है तो नेक्स्ट पे क्लिक करके आप परचेस कर दीजिए कि डैशबोर्ड आपको खुल जाएगी। और जैसे आपने परचेस किया है तो डोमेन असाइन नहीं हुआ होगा आपको डैशबोर्ड पर, तो असाइन करने के लिए डोमेन पर क्लिक करना है आपको, और यहाँ से आपको असाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप असाइन पे क्लिक करेंगे तो ये सेकेंड वाले बॉक्स पे आप जो डोमेन परचेस किए अभी, तो ये यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है। जैसे कि मेरे पास ये डोमेन है, मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ, लेकिन ये ऑलरेडी असाइंड है तो ये वाला असाइन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपकी वो असाइंड नहीं है तो यहाँ से आपको असाइन करना है। जैसे कि ये मेरी ऑलरेडी असाइंड है तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको अगर नहीं है तो ये यहाँ पर असाइन दिखेगा, और बाकी कुछ नहीं करना है, ये जैसे ये वैसे रहना दीजिए, वैसे ही रहने दीजिए, बस क्लिक कीजिए यहाँ पर, यहाँ पर असाइन हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपको माई साइट पे जाना, जैसे आप माई साइट पे आते हैं तो यहाँ पर ऐड साइट करके एक ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करना है और जो आपने अभी डोमेन परचेस किए हैं उसी का नाम लिख दीजिए। अब जैसे मेरे पास ये डोमेन है
मैं यहाँ पर उसकी नाम लिख देती हूँ। अगर टैगलाइन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी टैगलाइन दे रही हूँ। आप कुछ भी टैगलाइन दे सकती है आपके हिसाब से। फिर नेक्स्ट, तो यहाँ से मेरी बहुत सारे हैं इसलिए मेरी ड्रॉपडाउन दिख रही है, तो वो आप सिलेक्ट कीजिए आपकी। और ये आपको फ्री प्लगइन देती है ब्लू होस्ट की तरफ से, अगर आपको चाहिए तो रखिए, अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से आप अनटिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने अनटिक किया, यहाँ पर नेक्स्ट बटन में क्लिक करना, तो यहाँ पर सिंपली आप लॉगिन टू वर्डप्रेस, ये वर्डप्रेस की डैशबोर्ड है, तो देख सकते हैं हमारी साइट कुछ इस टाइप की आ रही है। ये डिफ़ॉल्ट थीम है इसलिए ये इस टाइप की आ रही है। अभी हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे और इसका लुक एंड फिल कुछ इस टाइप की देना है हमें, तो इसके लिए हमें कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। कस्टमाइज़ के लिए हमें जाना है, और पहले हम करने के लिए आपको सेटिंग पे आना है, जनरल। तो ये हमारी साइट टाइटल है, साइट टैगलाइन है, यहाँ पर HTTPS है और बाकी सब सही है, ठीक है, सेव चेंजेस। फिर हम लोग आएंगे परमालिंक्स, परमालिंक्स देखिए अभी ये वाला सिलेक्टेड है, तो हमें ये वाला सिलेक्टेड करना है क्योंकि ये SEO फ्रेंडली लिंक्स हैं। तो ये जैसे सिलेक्ट करके आपको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। तो जैसे चेंजेस पे क्लिक किए तो लोग थीम पे जाएंगे, थीम के कस्टमाइज कर थीम इंस्टॉल करेंगे। थीम इंस्टॉल करने के लिए हमको अपीयरेंस में जाना है और थीम्स, तो अभी ये सारी थीम्स है लेकिन हमें ये सारे फ्री थीम्स है लेकिन हम दूसरा थीम ही यूज़ करेंगे, तो दूसरा थीम यूज़ करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर टाइप कीजिए ओशन WP। ये एक फ्री थीम है और उसको कस्टमाइज़ करना बहुत आसान है, तो इसलिए मेरी रिकमेंड है आप यही थीम इंस्टॉल कीजिए। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया इंस्टॉल लिंक का, अभी इंस्टॉल हो गया है, अभी इसको एक्टिवेट कर देती हूँ। जैसे मैं क्लिक किए एक्टिवेट की तो ये एक्टिवेट हो गया, लेकिन इसके लिए और एक प्लगइन चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पर क्लिक करती हूँ, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कीजिए ये वाला ओशन एक्सट्रा और इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। तो ये इंस्टॉल हो गया है अब हमारी थीम। तो अभी हमारी साइट की लुक एंड फील देखते हैं, अभी पहले ऐसा ही था, अभी जैसे हम लोग थीम इंस्टॉल किए तो हमारी लुक एंड फील चेंज हो गई। तो दोबारा से हम लोग थीम पे आते हैं, जो अननेसेसरी हमारी थीम थी तो उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो बाकी सारी थीम को मैं डिलीट कर रही हूँ, बस एक ही थीम रखना है हमारी डैशबोर्ड में। देन आते हैं हम लोग पेज पे, तो यहाँ पर हम लोग ऐड न्यू पे क्लिक करके एक नया पेज क्रिएट करते हैं। होम पेज का नाम मैंने होम रख दिया। कंटेंट लेआउट पे जाकर हम लोग फुल विड्थ, पैडिंग्स पे हम लोग डिसेबल, टाइटल डिसेबल और पब्लिश, अगेन पब्लिश। तो हमारी होम पेज क्रिएट हो गई। अभी इस साइट को मैं अगर रिफ्रेश करती हूँ
तो कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन इसर की ज़रूरत है, वेबसाइट बिल्डर की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम जाएंगे तो वेबसाइट बिल्डर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री है, इसका प्रो वर्शन भी है। अगर प्रो पे जाते हैं तो और फीचर्स एडन्स मिलेंगे आपको, लेकिन हमारे काम फ्री नहीं हो जाएगा। तो हम लोग ये वाला चीज़ डाउनलोड कर देते हैं। तो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखी हूँ, तो मैं दोबारा डाउनलोड नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जैसे प्लगइन पे हम लोग क्लिक किए और यहाँ पर ऐड न्यू और यहाँ पर अपलोड प्लगइन, और जो हमने डाउनलोड किया था जैसे कि मेरी अभी ये वाला है, तो मैं यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करती हूँ। मेरी इंस्टॉल हो गई है, तो एक्टिवेट पे मैं क्लिक करती हूँ। ये मेरी एलिमेंटर एक्टिवेट हो गई है। और भी कितने सारे प्लगइन चाहिए, जैसे कॉन्टैक्ट पेज कर क्रिएट करने के लिए कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म प्लगइन चाहिए, एसईओ बनाने के लिए योस्ट योस्टियो की प्लगइन चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं वो सारे पार्ट नहीं कर रही हूँ। मैं बस आपको होम पेज एक क्रिएट करके दिखा रही हूँ। तो उसके लिए हमारी ये प्लगइन, तो ये हमारी एलिमेंटर है, तो ये हमारी एनएफएस साइट, इस टाइप की साइट डेवलप करने के लिए। तो इसको डेवलप करने के लिए हम पेजेस पे जाएंगे, होम पेज एडिट, यहाँ पर आ रहा है एडिट विथ एलिमेंटर। तो यहाँ पर बस सिंपली क्लिक करना है आपको एडिट विथ एलिमेंटर। जैसे हमने क्लिक किया तो ये एलिमेंटर का इंटरफेस खुल गया है। तो देखिए ये इस टाइप की है, तो हमें इसको कस्टमाइज़ करना है, इसके लुक एंड फील इस टाइप की लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले ये वाला चीज़ पर क्लिक करते हैं न्यू सेशन। मैं फटाफट कर रही हूँ, आप इसको थोड़ा इंटरफेस को देखिए, इसको पूरी वीडियो अगर चाहिए, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका क्या क्या फीचर्स है, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी जिसको कैसे यूज़ करना है, क्या क्या सेटिंग्स है। तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा कुछ बता देती हूँ। ये आपकी सेशन है, जैसे हम लोग यहाँ पर फुल विड्थ किए तो ये फुल विड्थ हो जाएगा, नो गैप्स यानी कोई गैप नहीं रहेगी, और मैं स्ट्रेच सेशन करती हूँ तो ये पूरी स्ट्रेच हो गई। तो इस सेशन का कलर कुछ डिफरेंट है, तो हम इसको पहले कलर दे देते हैं। तो कलर के लिए यहाँ पर स्टाइल पे आना है आपको, क्लासिक्स, और ये यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर कुछ इस टाइप का था, मैं यहाँ पे इनर सेक्शन करके है ब्लॉक, तो इसको यहाँ पर सिर्फ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फिर ये हेडिंग का सेशन है, और यहाँ से मैं चेंज कर दिया ये वाला है। फिर यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट है तो कॉपी कर लेती हूँ इसको, तो टेक्स्ट एडिटर, उसके बाद हमारी आइकन है, आइकन के लिए हमें तो बटन्स हमारी कैसी थी, लर्न मोर, और उसके बाद आइकन एक था, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लर्न, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, लर्न मोर, और ये आपकी आइकन है ये वाला, ये उसके बाद हमारी एक इमेज थी जो हम किसी भी इमेज डाल देते हैं। तो ये वाला इमेज था, तो ये हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा स्टाइलिंग करते हैं इसको, तो स्टाइलिंग के लिए ये वाला ये साइड पर है, ठीक है। इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका कलर है DC 143F,
यही हमारी थीम की कलर है। अभी टाइपोग्राफी में हम फॉन्ट चेंज करते हैं, इसका साइज बढ़ा देते हैं, वेट थोड़ा उसको दे देते हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा वेट हो गया, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। 800 ठीक है, और थोड़ा 700 ठीक है शायद, हाँ 700 ठीक है, और बाकी ठीक है। अपडेट और यहाँ ये वाला स्टाइलिंग के लिए हम यहाँ पे क्लिक किए स्टाइल, और ये थोड़ा ऐसे कर दीजिए, कलर ठीक है। और अभी बटन के लिए हमने स्टाइल पे क्लिक किया, क्योंकि ग्रीन कलर इसको हटाकर हमारी थीम कलर जो है DC14TF, और इसको थोड़ा बॉर्डर 10 दे देती हूँ, और थोड़ा है वो 15 दे देती हूँ। हाँ अभी बराबर आ गया है, मैं जैसे ही अपडेट पे क्लिक किया तो ये अपडेट हो गया। ये जो आई बटन है इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, मैं यहाँ से क्लिक की तो हमारी अभी साइट कुछ इस टाइप की दिख रही है। तो हमें अभी पहली सेक्शन कंप्लीट हो गई, अभी दूसरा सेक्शन आ रहा है। दूसरा सेक्शन के लिए हमें क्या करना है, सुनने के लिए सेम वही हम लोग प्रोसेस यूज़ करेंगे। यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं ये, तो ये फुल विड्थ, नो गैप, स्ट्रेच, और यहाँ पर ये देखिए ये स्पेस एक है, तो स्पेस डाल देते हैं। स्पेस के लिए हम लोग यहाँ पर स्पेशल है ये डाल दिए। उसके बाद हमारी वाइट इज इम्पोर्टेंट एक लाइन है, टाइटल है, तो ये यहाँ से हम लोग सेलेक्ट किए। ओके देन उसके बाद इमेज और ये टेक्स्ट, तो ये हमारे सेंटर पे है। तो इसको सिंपली ये वाला जो चीज़ है इसको, ये पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है, तो यहाँ से आपको सिंपली सेलेक्ट करना है कॉपी, और ये वाला पेंसिल आइकॉन को सिलेक्ट करना है पेस्ट स्टाइल। बस ये पेस्ट स्टाइल सिलेक्ट करते ही आपको इस टाइप की आ जाएगी। तो जैसे इस टाइप की आ गई तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको मिडल में रखना है, क्योंकि हमारी थीम के हिसाब से ये मिडल में ही है, तो हम लोग मिडल में रख लिए। और उसके बाद हमारी इमेज है और टेक्स्ट है, मैं पहले टेक्स्ट कर देती हूँ। तो अगर यहाँ से आप कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ से आप पेस्ट, तो ये कॉपी हो गया, पेस्ट हो गया। यहाँ से भी आप कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं इधर, तो ये इस टाइप की होगी। और बस रहा इमेज, इमेज के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा और इमेज, तो मेरी दूसरी इमेज ये थी, तभी थोड़ा इमेज बड़ा हो गया है इस, तभी थोड़ा इमेज का साइज़ हम लोग रिड्यूस कर देते हैं, सेंटर पर रखते हैं। यहाँ से हम लोग इमेज का वेट एंड हाइट चेंज कर सकते हैं, अगर आपको हाइट चाहिए तो हाइट भी चेंज कर सकते हैं आप इधर। मैं यहाँ पर अपडेट की, जैसे मैंने अपडेट किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली हमारी पेज रिफ्रेश हो जाएगी। तो जिस टाइप के इमेज को अलग है छोटा कम करते थे, तो हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको, अभी सही आ रही है। देन हमारी दूसरी एट द एंड हमें एनिमेशन कर देंगे इसका, तो नेक्स्ट आ रहा है ये सेशन, तो इसके लिए भी दो सेम थिंग करना है आपको, इधर जाना है और यहाँ पर फुल विड्थ, नो गैप,
और यहाँ पर कुछ बैकग्राउंड का कलर इस टाइप की है, तो बैकग्राउंड कलर ये क्लासिक बैकग्राउंड कलर आ गया। थोड़ा एक स्पेशल डाल देते हैं। उसके बाद हमारी ये है, तो उसके लिए हम हेडिंग्स, दूसरा ये अगेन हेडिंग्स, बस सिंपली इसको कॉपी कीजिए यहाँ पर पेस्ट स्टाइल, जैसे पेस्ट स्टाइल करते हैं तो आपको इस टाइप की स्टाइल आ जाती है। और ये यहाँ पर आपको चेंज करना है इसका कलर, तो इतना कुछ ब्लैक सा था, इसको फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं इसका, तो टाइपोग्राफी पे जाइए, रोबोटोग्राफी पे, तो मैं यहाँ से इसको 18 मेरे ख्याल से कम हो जाएगा, थोड़ा बड़ा है ये, तो इसको थोड़ा 25 ठीक है, इसको थोड़ा वेट, इसका वेट का था 600 ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा स्पेसिंग बढ़ा दिए अभी ठीक है। अपडेट पे क्लिक किया, जैसे अपडेट पे क्लिक किया तो यहाँ से रिफ्रेश होना लगा, तो अभी ठीक है। नेक्स्ट हमें ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हमें सेम ये वाला पे जाना है, नीचे छोड़ दिए, पहले इसमें इमेज है, फिर टाइटल है, फिर टेक्स्ट है, तो हमें वही सेम करना है, हम पहले एक इमेज लेना है, तो ये इमेज था, इमेज फटाफट लोड हो रही है, इसलिए ये इतना बड़ा इमेज होने के बावजूद भी ये फटाफट लोड हो रही है, क्योंकि ये फिट होती है अच्छी वाली बूस्टिंग लेने की। तो ये आ गया हमारी, इसके बाद हम लोग टाइप पहले एक कलम कर देते हैं, फिर हमें आसानी हो जाएगी रेस्ट को करने के लिए। इसको क्या ये जो है इसको कॉपी, और यहाँ पे सिंपली पेस्ट स्टाइल, जैसे पेस्ट स्टाइल की ये आ गया, अभी थोड़ा इमेज बड़ा हो गया, इसको थोड़ा रिसाइज करना है हमें, तो ये रिसाइज के लिए ये ठीक है, 50 हाइट, ठीक है। अभी इसकी बैकग्राउंड कुछ इस टाइप की कलर थी, जिसकी कुछ बैकग्राउंड टाइप की कलर थी, तो इसकी बैकग्राउंड कुछ इस टाइप की कलर थी, तो इसके लिए हमें इसकी बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमें एडवांस पे जाना है, बैकग्राउंड, और यहाँ पर आकर हमारी कलर चेंज करो, तो कलर इस टाइप की कलर थी, परफेक्ट। जैसे ये हो गया तो हम इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, अगेन डुप्लीकेट, और ये थर्ड वाला कॉलम को डिलीट, ये सेकेंड वाला था तो इसका कलर चेंज कर देते हैं, जो हमारी थीम की कलर है वो ठीक। अभी बचा लास्ट वन, ये वाला
रजिस्ट्रेशन। लास्ट में आपको क्या करना है, इसका कलर ये वाला है, तो इसको थोड़ा स्पेशल दे देते हैं पहले। उसके बाद ये कंटेंट का कॉपी किया, स्टाइलिंग चेंज कर देते हैं इसको, कलर पहले चेंज हो गया ब्लैक का, ब्लैक इसका भी कलर चेंज कर देते हैं ब्लैक। थोड़ा ब्लैक में था, थोड़ा इस टाइप का कलर था, और ये इमेज बस डन। और यहाँ पर एक इमेज थोड़ा इसको पैडिंग देना है, एडवांस कम किया 15, सब जीरो करके से बटन का भी 15 रखते हैं, और इमेज को थोड़ा कम हाइट कर देते हैं। ब्रिज इस टाइप का दिख रही है, यहाँ से थोड़ा पैडिंग बढ़ा देती हूँ इसका, और अपडेट राइटिंग थोड़ा बड़ा करना है, तो अभी ठीक है। तो एनिमेशन देने के लिए आपको ये पेंसिल आइकन सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर जैसे आ जाएगा मोशन, मोशन को आप कुछ 1000 लगा देते हैं। उसके बाद ये वाला आएगा, इसको भी सेम, उसके बाद ये आएगा, इसको भी वही सेम स्टेप, थोड़ा ऊपर आएगा उसको 1005, पहले ये एनिमेशन होगा फिर ये, फिर ये एनिमेशन होगा,
2007 तो सिमिलरली हमें ये सारी भी एनिमेशन लेनी है, तो यहाँ से ये सिलेक्ट किया हमने एडवांस। अपने आप अपने हिसाब से एनिमेशन दे सकते हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ अभी। अभी लास्ट ये वाला एनिमेशन है। ये पहले नीचे आ रहा है, उसके बाद ऊपर आ रहा है, तो इसके लिए हम थोड़ा इसको एनिमेशन कम कर देते हैं। तो हमारी एनिमेशन कुछ इस तरह से है। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं ये रेस्पॉन्सिव या नहीं। वर्डप्रेस पे बाय डिफॉल्ट रेस्पॉन्सिव होता है। तो ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम इसका मेनू और फोटो सेक्शन कर देंगे। यहाँ पे क्लिक कीजिए एक्सेस टू डैशबोर्ड। अपीयरेंस पे जाना है, मेनू ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पर हमारे मेनू क्या थी, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्टर्स। तो हम अभी यहाँ पर एक मेन मेनू बनाते हैं। यहाँ पर मेन मेनू करके मैंने टाइटल डाल दिया। ये मेन सिलेक्ट करना है आपको और क्रिएट मेनू पर क्लिक करना है।
देखिए आपकी मेन मेनू क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर आप होम पे सिलेक्ट कीजिए ऐड मेनू। तो मैं इसको बस कस्टमाइज पे क्लिक करती हूँ, लेकिन आप इसको प्रॉपर पेज बनाना। देन मैं सेव मेनू पे क्लिक की, तो इसमें मैं सेव मेनू पे क्लिक किया, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पर मेनू आ जाएगी। देखिए सारे मेनू आ गए जो अभी मैंने क्रिएट किए थे। अभी नेक्स्ट फुटर पे आते हैं, इसको थोड़ा और कस्टमाइज करेंगे। हमारी ये भी लोगो कैसे दिख रही है और मेनू थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो इसको हम और भी कस्टमाइज करेंगे। लेकिन पहले हम लोग फुटर बना लेते हैं। फुटर के लिए आपको अपीयरेंस पे जाना है और उसके बाद विजेट्स, तो यहाँ पर हम टेक्स्ट पे सिलेक्ट करना है और फुटर वन ऐड। तो हमारी फुटर वन में कुछ टेक्स्ट है, ये कॉपी किया, यहाँ पर हम डाल देते हैं अबाउट अस, सेव। सेकेंड था हमारी लिंक, लिंक के लिए नेविगेशन मेनू, फुटर टू ऐड विजेट्स। तो फुटर टू हमारी आ गई क्विक लिंक्स। फुटर थ्री थी फॉलो सोशल आइकन्स, सोशल आइकन्स ऐड विजेट्स। आपको बस यहाँ पर जहाँ ये ट्विटर चाहिए, मैं भी यहाँ पर सिर्फ हैशटैग लगा रही हूँ, लेकिन आप प्रॉपर URL डाल दीजिएगा। और सेव। लास्ट था हमारी कॉन्टैक्ट इन्फो, हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, टेक्स्ट डिलीट कर दीजिए, बाकी सब सही है। आपको जो जो चीज़ चाहिए वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, जैसे फैक्स का फैक्स, फ़ोन नंबर का प्रॉपर फ़ोन नंबर, और एड्रेस में प्रॉपर एड्रेस, ईमेल आईडी पे प्रॉपर ईमेल एड्रेस, ये वेबसाइट के लिंक मिल चाहिए, ये यहाँ से रिमूव कर दीजिए। देन सेव। जैसे हमने सेव किया, यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कैसे दिख रहा है हमारी फोटो। तो कुछ इस टाइप की दिख रही है, तो हमें इस टाइप की बनाना है, तो उसके लिए कस्टमाइज करना पड़ेगा। तो हम कस्टमाइज पे क्लिक किए हूँ, मैं डिसाइड यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ। हमारी वेबसाइट की नाम है क्रिएटिव वर्ल्ड, ये टॉप बार जो है हमें इसको डिसेबल कर दीजिएगा। तो देखिए ये ऊपर का हट गया है।
उसका अभी अभी लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मतलब ये वाला सिलेक्ट करते हैं, ये है फॉन्ट वेट बोल्ड, इसकी साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, 35 और इसको कलर फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, यहाँ से मेनू का साइज का बढ़ा देते हैं, 13 है, 18 डाल दिए, 16 डाल देते हैं, अब सही है। फिर ये देखिए अभी इसको एक सर्च बार आ रही है जो हमें नहीं चाहिए, सर्च बार हटाना है, सर्च बार हटाने के लिए हमें जाना ये हेडर मेनू और यहाँ से सर्च बार हटा दीजिए, सर्च आइकन है यहाँ से डिसेबल, जैसे डिसेबल करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, हट गया। और देखिए अभी जैसे ही मैं माउस ले रही हूँ इसमें कुछ इस टाइप की आ रही है, तो हमने इस टाइप की बनाना है, तो उसके लिए हमें इफेक्ट्स, लिंक इफेक्ट्स, ट्रिपल डॉट अंडर करके है एक ऑप्शन, वो सिलेक्ट करना है। देखिए अभी ये इस टाइप की आ रही है, लेकिन हमें कलर थोड़ा ये वाला हमारे थीम की कलर लेना है, तो उसके लिए हमें ये सिलेक्ट करके यहाँ पर सिलेक्ट करके हम अपना कलर कोड मेंशन करते हैं, अभी नीचे का आया लेकिन ऊपर का है, ऊपर के लिए हमें टेक्स्ट वाला भी चेंज करना है, अब देखिए ठीक। और हमारी ये वाला जो है हमारी थीम की कलर है, तो उसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे इधर से हमारी थीम की जो कलर है, और पब्लिश। तो देखिए अभी हमारी साइट जो आ गई है, अभी हम लोग फुटर पे ही चेंज करेंगे, थोड़ा फुटर को कस्टमाइज करेंगे, फुटर को ये जो पहली वाली डेमो है तो उसको कलर चेंज करना है, उसके कलर के लिए फुटर बटन पर पहले जाते हैं, यहाँ पर जो था क्रिएटिव वर्ल्ड करके जो था ये यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे जैसे, और इसका थोड़ा टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं, ठीक ब्लैक है ये, पूरी ब्लैक नहीं है, ठीक। तो विजेट पे आते हैं और यहाँ से बैकग्राउंड का थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, अब अपने हिसाब से कलर डाल सकते हैं, टेक्स्ट कलर वाइट है तो वाइट ही रख देते हैं, ये जैसा था ये वैसा बन गया है, अभी लोग इसको पब्लिश कर देते हैं, इसे पब्लिश के यहाँ पर रिक्वेस्ट कर देते हैं, फिर देखिए ये कुछ सिमिलर टू ये आ गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बॉर्डर में ये बॉर्डर का वाला है, तो बॉर्डर का पार्ट करते हैं इसको, बॉर्डर का कलर थोड़ा कम कर देते हैं इसका, ठीक पब्लिश। तो अब देखिए ये अभी सही हो गया,
एक चीज़ और नहीं किया है इसको, यहाँ से भी कर सकते थे लेकिन यहाँ से जाएंगे हम लोग, रीडिंग पे सेटिंग पे जाना है और ये जो स्टैटिक पेज है यहाँ से सिलेक्ट करके ये होम सिलेक्ट कीजिए, ये कर। तो फाइनली हमारी वेबसाइट रेडी हो गई है। ये फोटो का चेंज नहीं हुआ, फोटो का देखते हैं क्यों नहीं चेंज हुआ। फोटो बटन पब्लिश, अभी चेंज हो गया। फाइनली हमारी साइट रेडी हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, 500 लाइक्स की टारगेट है तो प्लीज़ उसको अचीव कीजिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो कीप वॉचिंग, टिल नाउ टेक केयर, बाय।